जिप लाइन, साइकिलिंग वगैरह सब आगे होता है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे शायद ऑटो लेना पड़ता है। सो वी आर जस्ट प्रोसीडिंग। ऑटो के लिए वेट करते हुए तो वहाँ से जो हम लोग आए हैं, हमें 20 रुपीज़ लगा है। और यहाँ पे सारा कुछ होता है, राइफल शूटिंग, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ होता है। सो वी आर एंट्रिंग। टिकट का सारा रेट है, ग्लास स्काईवॉक 125, सस्पेंशन ब्रिज 10, जिप लाइन, फ्लाइंग फॉक्स 100 और बाइकिंग 100 एंड सो ऑन। सो आई गॉट द टिकट ऑफ स्काई बाइकिंग। मुझे बहुत डर लग रहा है बट करना है अब, सो आई एम जस्ट गोइंग। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा जो दिल है ना बहुत धक धक हो रहा है। बट मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है और मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने सफ़र में, और आप लोगों के लिए मैं करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। देख सकते हो आप, वहाँ से साइकिलिंग होती है, स्पॉट एंड इंस्ट्रक्शंस हैं। ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर, यहाँ साइकिलिंग होती है हवा में, बिल्कुल पतला सा तार है, बहुत पतला सा। वो देख सकते हैं आप लोग ऊपर, तो मैं साइकिलिंग करके नीचे उतर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगा बट धीरे धीरे मेरा डर ओवरकम हो गया। और अब मैं जा रही हूँ आर्चरी करने के लिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे 5 बार में मुझे लग रहा था कि मैं आर्चरी सीख चुकी हूँ, मुझे नेशनल्स जाना चाहिए। अभी हम जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बहुत थक चुकी हूँ मैं तो। सो ये अंदर आने के बाद एक रेस्टोरेंट है और हमें काफ़ी भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा वाला, तो हमने ये वेज बिरयानी विद चटनी ऑर्डर किया है। इसका कॉस्ट 150 रुपीज़ है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड है। लाइन के पास हूँ और यहाँ पे भी मुझे एक्टिविटी करनी है, पर टिकट 100 रुपीज़ प्राइस है। फिर यहाँ से हमें वो वहाँ दूर जाना है, वहाँ पे फिर वहाँ से मुझे सीधा ऐसे आना होगा, फिर यहाँ पे एंड पॉइंट है ये वाले में। बट यहाँ टिकट मिल रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ बट होप सो साइकिल वाले के तरह ये भी स्मूथली हो जाए। हालत बहुत ख़राब हो चुका है और अभी एक लड़की गई है और हम लोग आते आते ही बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, और भी सारे लोग हैं हमारे साथ। एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. पहले पहले मुझे डर लगा, बट आफ्टर दैट वो व्यू जो था ना, आई एंजॉयड लाइक हेल. वेरी गुड, बहुत अच्छा था. आप भी ज़रूर ट्राई करो, फीलिंग कैसे आएगी. थोड़ा सा तूफानी करना चाहिए अपने लाइफ में सबको. वो करके तो डर लग रहा था, लेकिन आपके दोस्त बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, बहुत डरपोक हो आप. नहीं वैसा बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा. डर तो लगता है शुरू में, लेकिन अच्छा लगा. कैसे आए यहाँ घूमने? रांची से. यहाँ कैसा फील हो रहा है घूम के? अच्छा एंजॉय किया. कैसा रहा? बहुत अच्छा. तो आप कैसा फील कर रहे हैं? रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपको डर लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. डर ओवरकम हो गया था या थोड़ा भी डर नहीं लगा? नहीं, था झटका लगता है जब वहाँ पे रीच करते हैं ना. हाँ. उस समय यहाँ पे थोड़ा कम है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा है. ठीक है. अभी दिन के 3 बज चुके हैं और हमें अभी गाड़ी मिली 1 घंटे के बाद. सो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे और 4:30 बजे हमारी ट्रेन है. तो हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ. शक्ल तो आप देख सकते हो. और हमारी गाड़ी भी है, ट्रेन भी है 4:30 में. सो हमें जल्दी से जल्दी जाना है.